चंदौली से हैं, जहां यूपी के डिप्टी सीएम और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक आज चंदौली के दौरे पर थे। पहले सत्र में डिप्टी सीएम बीजेपी कार्यालय चंदौली पहुंचे और भाजपा जनप्रतिनिधियों, नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिले। वहां से डिप्टी सीएम का काफिला जिला अस्पताल पहुंचा और डिप्टी सीएम ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। वहीं दोपहर में पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में भोजन के उपरांत दूसरे सत्र में डिप्टी सीएम ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। वहीं समीक्षा बैठक खत्म होते ही दोपहर के बाद शाम को डिप्टी सीएम ने बरठी कमरौर गांव में बन रहे बाबा कीना राम मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और अंत में सदर ब्लॉक के सीकरी गांव में जन चौपाल लगाकर लोगों की समस्या सुनी और उनको भरोसा दिलाया कि ये सरकार आपकी है, आपके लिए है। आज ग्राम पंचायत सीकरी का हमने चौपाल लगा करके सभी भाइयों से, बहनों से, बुजुर्गों से, नौजवानों से बात किया है। आदरणीय मोदी जी की योजनाएं हैं, आदरणीय योगी जी की योजनाएं हैं, वो उन तक सकुशल पहुंच रही हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार की बातचीत हमने सभी बहनों से, माताओं से की है, बुजुर्गों से की है, नौजवानों से की है। गाँव में सभी को प्रधानमंत्री आवास मिले, जो अनुमन्य है उनके लिए महीने में दो बार राशन मिले, नहर में टेल तक पानी आए, वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांग पेंशन, जो सरकार की अन्य योजनाएं हैं, जैसे मनरेगा योजना है, वो सब जो योजनाएं हैं वो नीचे तक पहुंचे, उसमें कोई गड़बड़ी न हो, इसका फिजिकल वेरिफिकेशन आज हमने किया है।